हेलो दोस्तों, देखिए अभी अभी नोटिफिकेशन आया है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाला है, यानी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाला है उस पर नोटिफिकेशन आया है। तो देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, एग्ज़ाम कब होगा, इस एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस होगा, क्या एग्ज़ाम देने के लिए हमें कॉलेज में जाना होगा या घर पर ही देना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, फॉर्म फिल कैसे करेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले तो देखिए पहले लाइन में लिखा गया है कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम पहले नहीं होगा। पहले क्या है कि हम मिड सेम लेकर टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा एग्ज़ाम सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए अभी उसमें डेट लिखा गया है कि जितने भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका मिड सेमेस्टर पहले होगा, यानी मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, वो भी 14 तारीख 5वां महीना 2020 को। यानी 14 तारीख को ऑनलाइन एग्ज़ाम जितने भी फाइनल ईयर वाले छात्र हैं, इंजीनियरिंग के, फार्मेसी के, जो भी कोर्स के छात्र हैं उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम 14 तारीख को होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमें 25 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स का होगा, और पूरा क्वेश्चन करना होगा या जितना भी हो सके। क्योंकि क्या है कि इसमें ये पहले ट्राई इसमें क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो RGP भी अभी तक लेता, यानी एग्ज़ाम लेता है, उसमें केवल थ्योरी ही हम लोग लिख पाए हैं, यानी जितने भी छात्र केवल थ्योरी का एग्ज़ाम लेता था, और यहाँ पे कह रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का, तो यहाँ तो थ्योरी आएगा नहीं। इसलिए पहले ट्राई करता है मिड सेम लेकर, क्या हमारा प्लान सक्सेस हो रहा है कि नहीं। अब देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या आएंगे, केवल न्यूमेरिकल आएंगे, यानी या टिक करने वाले मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक पे टिक कर देना है, यही क्वेश्चन आएगा। और यदि ये प्लान सक्सेस हो रहा है तभी एग्ज़ाम आगे ऑनलाइन लेगा। देखिए अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आप कहीं भी हो, घर पे हो या शहर में हो, कहीं भी हो, तो आप अपने घर से ही मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है तो देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है तो इसमें लिखा गया है कि डायरेक्ट यानी 2-3 महीने बाद हो जाएगा। जब क्या है कि COVID-19 पे कुछ यानी इंफॉर्मेशन, जब तक इस पर नहीं आता कोई फाइनल इंफॉर्मेशन, तब तक एग्ज़ाम को रोक दिया जाएगा, यानी उसके बाद सभी छात्र एवं छात्रा यानी एग्ज़ाम कॉलेज में पहुंच जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। अगला एग्ज़ाम ऑफलाइन अगर होगा तो, नहीं तो ऑनलाइन होगा तो आप घर बैठे कहीं से भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। ऐसे जो छात्र घर पे चले गए हैं उसको डरने की कोई बात नहीं है, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से पाते रहेंगे। अगर कोई नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन आता है तो हम तुरंत ही चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ऐसे डाउट कोई भी आता है तो हमारे कमेंट करके बताएँ और उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाए।